पोस भाई, डियोर डियोर भाई, डियोर 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 ड्रिप डब दोस्त, सुस्वागतम दोस्तों, सबको सुस्वागतम। दिस इज हमारा एक सेकंड, क्या कहते हो उसे, हमारा सेकंड प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। ये हम हर वेडनेसडे तुम्हारे लिए एक पॉडकास्ट ड्रॉप करेंगे। आज हम एक और कर रहे हैं भाई, क्रिसमस की ईव पे। जय श्री क्रिसमस मुबारक। हम बिल्कुल करने हैं भाई, आज हम क्रिसमस मनाने आए, बेसिकली न्यू ईयर बनाने हैं। तो आज मैं चौंकी से सोच रहा था कि चौंकी हम किस बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ प्रिपेयर तो करते नहीं पॉडकास्ट के लिए, तो हम बोलते हैं हम करेंगे, तो हम ऐसा क्या करेंगे। तो चौंकी एंड मी केम अप विद एन आइडिया कि हम ईयर को रिवाइंड करेंगे, विल ट्राई टू लुक बैक टू दिस ईयर पर्सनल लेवल पर, आई वुड से इन जनरल लाइफ के लेवल पर, जो भी बकचोदी मुझे पता नहीं। एंड चौंकी, हाउ वाज द ईयर चौंकी, हाउ वाज इट 2023 तेरे हिसाब से, हाउ वाज इट, टेल मी, इट वाज वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट आस वेस्ट ऑफ माय डैम टाइम भाई, वेस्ट ऑफ माय टाइम। लाइक अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है कि कितना, मतलब इट वाजंट अच्छा, मतलब द ओनली डिस्क्रिप्शन आई कैन गिव इज एज अ डार्क रेड वाले टर्म्स भाई, वी स्टार्टेड लंगूर्स इन 2023, वी स्टार्टेड लंगूर्स, हे हे, पॉजिटिव्स पॉजिटिव्स कैन बी सेड, पॉजिटिव्स एग्जैक्टली, वी स्टार्टेड लंगूर्स, दैट्स इट, हां दैट्स इट, हां अब तक तो ये गिना पर व्हाई, लाइक व्हाई वाज स्ट्रेट अप ईयर स्टार्ट, स्ट्रेट अप ऐसा था तो ईयर स्टार्ट कॉलेज का लास्ट ईयर था बेसिकली, ओके, और मेरी इस टाइम ईयर स्टार्ट में शायद प्लेसमेंट हो चुकी थी तब तक मेरी, और वो पूरा प्लेसमेंट वाला सीजन चल रहा था, एंड आई वाजंट सैटिस्फाइड ब्रो, मतलब थोड़ा ऐसा सीन है कि प्लेसमेंट के साथ ना इट्स लाइक बहुत लक पे डिपेंड करता है, इवन दो यू कैन नो अ लॉट, तुम्हें बहुत कुछ पता हो सकता है, बट हाउ थिंग्स प्ले आउट जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इट डिसाइड्स अ लॉट ऑफ तुम्हारा क्या चलेगा प्लेसमेंट से, तो वो अच्छा नहीं चल रहा था, इट एड्स टू द मिजरी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलेज ईयर एंड होता है और तुम देखते हो कि वेयर, मतलब बल्कि कॉलेज ईयर एंड वाज लाइक अ न्यू ईयर टू मी, लाइक कि अच्छा ईयर एंड हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, न्यू जर्नी स्टार्ट, और उसके बाद, उसके बाद एक और सेटबैक था मेरा, लाइक मेरी ज्वाइनिंग लेट हुई वगैरह, मेरे को तो लगा भाई गए, जो था वो भी इट्स गॉन नाउ, तो वो एक और एड्स ऑन टू मिजरी। फिर आई डिड समथिंग, करा, फेल्ड, ट्राइड सम शिट, फेल्ड, लंगूर्स वाज गुड, लंगूर्स हमने करे कुछ, एक बीच पॉइंट आया जब कंसिस्टेंट भी थे, व्हिच फेल्ट गुड, ट्रू, आफ्टर व्हेन वी डिड थ्री एपिसोड्स, व्हेन वी डिड थ्री एपिसोड्स ऑन अ रो, फोर भाई, हमारा फोर अब भाई, इस बार हमारा एम है कि हम उस रिकॉर्ड को तोड़े, बेसिकली इस बार एटलीस्ट पांच तो लगातार कर दे, कम ऑन भाई, कम ऑन, मे होली मदर ऑफ नाजरेथ, जीसस क्रिश्चियन के तो सैंटा हिमसेल्फ ब्लेस अस, सैंटा ब्लेस अस, सैंटा गिफ्ट अस, वी नीड इट, बट चोंकी नीडेड भाई, चौंकी मैं आई अंडरस्टैंड योर मिजरी, वैसे आई अंडरस्टैंड इट, पर चौंकी एक ना एक बुक होती है, जैसे बुक, लाइक एक बुक नहीं है बेसिकली, मेरा एक दोस्त है बेसिकली, वो क्रिश्चियन है, और इस वैसे जो मैं बोलने वाला हूँ कुछ मतलब है नहीं उसे क्रिश्चियन होने से, बट वो क्या करता है कि वो रात को सोने से पहले ना एक बहुत ही कॉर्नी सी बुक बनाता है, सुन तो सुन तो, रात को वो सोने से पहले, उसका देखो नाम पता, मैं उसका नाम लूंगा नहीं, देखो पता वो कौन है, ठीक है, मुझे पता नहीं वो अब करता नहीं करता, बट वो पहले करता था, वो एक डायरी बनाता है एंड वो लिखता है कि थिंग्स आई एम ग्रेटफुल अबाउट, ठीक है, तो फिर वो पूरा लिखता है कि आई वॉज ग्रेटफुल अबाउट दिस, आई वॉज ग्रेटफुल अबाउट वेकिंग अप, okay okay I was so sad, I was grateful about sharing a moment with my friends, so the point is Chonky, you may have had a bad year, a straight up ass year, you know, but you're only counting negatives, you're not counting positives Chonky, come on, come Chonky, think hard, main chahta hu jo bhi podcast dikh raha hai, I know 2023 bahut jaldi fly ho gaya, literally bahut jaldi ho gaya, main jo math bhi nahi kar raha bhai, main भाई आई थिंक 2023 इकलौता ऐसा साल है जो सबसे जल्दी, पता क्यों, क्योंकि भैंचो 20 में कोविड था, चल मान लीजिए कोविड चल रहा है, पूरा लंबा साल डेढ़ है, बहुत रिमार्केबल, ठीक है,
21 में कोविड चल रहा है, कोविड चल रहा है रिमार्केबल, थोड़ी सेम मिजरी बट रिमार्क। 22 में कोविड थोड़ा फ्री हो रहा है, तो भाई एक न्यू एरा, लौंडे बाहर जा रहे, मास्क निकल रहे, डर जो भी है। 23 में क्या हुआ भाई? चौंके, 23 में कोई पॉपुलर बंदा मरा भी नहीं है, कोई पॉपुलर बंदा मरा भी नहीं 23 में, कोई नहीं मरा भाई। तो भाई ये तो बहुत वियर्ड बात है, बहुत वियर्ड नहीं भाई, मैं गूगल करता हूं, लेट मी गूगल 2023 में कौन मरा, पीपल डाइड, पीपल डाइड, सेलिब्रिटीज डाइड, पता नहीं कौन है, मैथ्यू पेरी कौन है, माइकल गैम्बोन जो वो था बेंचोद, डंबलडोर वो मरा है यार। अच्छा डंबलडोर से चले गए, डंबलडोर अब नहीं वैसे ना ना, विद वी पुट रिस्पेक्ट, वी पुट रिस्पेक्ट, वी पुट रिस्पेक्ट, आई लाइक हैरी पॉटर बट कोई, पर चूंकि आई वुड से ये तो ट्रू है कि 2023 काफी, इट वाज लाइक एस ईयर मेरे ख्याल से, लाइक इन जनरल आई थिंक पूरी लाइफ के लिए इट वाज लाइक गटेड भाई, नॉन एग्जिस्टेंट ईयर, क्या था इस ईयर में, इस ईयर में क्या था, कुछ नहीं था भाई ईयर में, कुछ हुआ मुझे कुछ, tell me one significant thing world view से, apart from AI आ गया थोड़ा सा, chat GPT आ गया end में, वैसे वो चीजें हो गई थोड़ी, और क्या हुआ interesting भाई, I don't know, like for example तेरा forte क्या, like तेरा forte is tech, जो भी तेरा forte right, उसमें कुछ interesting हुआ इस साल, anything, कुछ ground break, chip वाला हुआ था, I'm forgetting वो क्या होता है, कुछ superconductor में एक शायद साउथ कोरियन, वी डोंट वांट टू हियर दैट शिट, शट दैट अप, इस ईयर बट लास्ट ईयर था, ठीक है ठीक है, ज्यादा गीक कंडक्टर बोल रहा है, बट हां भाई रिसेशन, लेऑफ्स हुए, पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, पर हर दिन बोलते हैं, पर वो तो हर बार बोलते हैं ना, समझ रहे हो, दिस इज द वर्स्ट ईयर, दिस इज द वर्स्ट ईयर, हां तो दिस इज स्केरी, लाइक तू गूगल शायद 30 के लेऑफ्स करेगा अभी दोबारा 2024 वेलकम टू द अबे, पर चौंक के उसके लिए गूगल में जाना पड़ता है, पहले गूगल जाना पड़ेगा तभी तो ले ऑफ करेंगे, पर ट्रेंड सेट हो गया ना, गूगल 40 के कर दे, वैसे पता है काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस का स्पाइक करता है जी, फॉर एग्जांपल ये सब कन्वेंशनल जॉब्स है, गूगल में काम करना, टेक में लाइक डेटा एनालिस्ट बनना, लाइक जो और कोई इंजीनियरिंग के बाद डॉक्टर, जो भी लाइक कन्वेंशनल जॉब करते हैं, नॉट डॉक्टर ऑब्वियसली बट स्पेशली ये इंजीनियरिंग बकचोदी मोस्टली, कोडिंग, अब लोग बोलते हैं रिसेशन है, ये सब बकचोदी, मुझे समझ नहीं आता कि जो वो ना पुरान द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग स्टेबल, द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी, जो एक जॉब तुमको देती है कि हाँ तुम एक्सेप्टेड हो, जो भी है, मैं मे बी मैं ग्रो नहीं कर रहा, मे बी मैं अपने ड्रीम्स लिव नहीं कर रहा, बट ठीक है जो है वो एटलीस्ट मैं सिक्योर हूं, लाइक थोड़ी वो फीलिंग होती है, तो वो भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फुगेजी है भाई, ऑफ कोर्स लाइक मतलब ये वैसे दिस इज डॉग ईट्स डॉग वर्ल्ड, तो मतलब यहाँ पे कहीं भी अगर तुम्हें लगे ना कि तुम सेफ हो, यू आर नॉट, मतलब वी डिडंट नो वी हैड स्नेक्स अमंग्स अस, ठीक है वो वाली दिस इज आवर लाइफ, कौन स्नेच करा तूने भाई, मैं तो हमेशा से मरघट, यू नो हाउ आई मूव भाई, ठीक है आई नो इट्स लाइक गोइंग डाउन, तो वो तो मैं कभी बिलीव नहीं करता, नथिंग इज सेफ गाइस, यू माइट डाई टुमारो, आई माइट डाई टुमारो, सम लाइक समबडी माइट बैकस्टैब अस, बुलशिट हैपेंस, तो बहुत बुरी चीजें आर राइट अराउंड द कॉर्नर, आई थिंक द ओनली गुड थिंग इज आई वेंट बाय, वो था ना तुमने सिसिफस पता है, डू यू नो सिसिफस, हमने नाम सुना है, फिलोसोफर है ना शायद, सिसिफस का फिलोसोफर कह लिया, मतलब ही इज लाइक एन आइडिया, मतलब ही एम्बॉडीज एन आइडिया, ठीक है तो वो क्या था कि ही वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन बाय गॉड्स कि ही हैज टू कैरी अ ह्यूज रॉक अप अ हिल, ऐसे रोल कर करके उसको कैच ये था कि एवरी टाइम ही वुड गो लाइक एवरी टाइम ही वुड रीच द टॉप द गॉड्स विल मेक द रॉक रोल बैक डाउन एंड ही हैड टू डू इट फॉर इटर्निटी सिसिफस और मतलब अब कहेगा ये बहुत बेकार सैड ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट अनफेयर सा बेकार व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस आइडिया ये कि नो मैटर लाइक गॉड्स इतनी मिजरी इन्फ्लिक्ट कर रहे उस पर लिटरली एक रेपिटेटिव एक बहुत भयंकर मुश्किल टास्क रिपीटेटिवली उससे करवाए जा रहे हैं कोई सोलेस विदाउट आउटकम, हां विदाउट एनी आउटकम, नोबडी रिकॉग्नाइजेस हिम, नोबडी इज पैटिंग हिम ऑन द बैक, नोबडी इज टेलिंग हिम गो सिसिफस, बट ही स्टिल कीप्स ऑन गोइंग, बट आई थिंक द ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस ईयर, मतलब मे बी आई एम ज्यादा उसको डार्थ बना रहा हूं, बट मैं पर्सनली मानता हूं आई वेंट बाय आई Like almost the end. अब मुझे पता नहीं 31st तक क्या होगा. You never know in life.
somebody backstabs you, quiz le ka jaye. Almost made it. Well, that's a good description, Matt. मैं agree करता हूँ इससे. I think मैं बोलूँगा मेरे perspective से, जैसे कि मेरा ये साल था, I think मेरा साल काफी new था. It was very new. मैंने इस साल काफी वो चीज करी जो मुझे बहुत time से करनी थी, which was coaching. तो मेरे लिए it was more about कि ठीक है, I can go a conventional path, I can do that. Obviously there is YouTube, जिस मुझे grow करना and I love, like मुझे पसंद है YouTube करना, obviously बकचोदी करना, who knows, समझ रहे हो सब, ठीक है. बट मतलब कि मुझे कोचिंग करनी है, लेट्स ट्राई कोचिंग, ये जो जो जगत ऑफ कोचिंग, लेट्स ट्राई इट. एंड मुझे याद है जनवरी, इसी साल का जनवरी था, एंड मेरा फुटबॉल वो कुछ प्लान नहीं था, नथिंग, आई हैड नो प्लान्स, जीरो प्लान्स. मैं लिटरली आई वाज मेकिंग अ वीडियो रात के 12:30 बजे रैंडमली. पता है मैंने एक चीज नोटिस करी इस साल, पता मैंने एक चीज मैंने सीखी है इस साल, एक लेसन जो मैं एम्बार्क करना चाहता हूँ हर किसी को. इस साल मैंने एक चीज सीखी है विच इज कॉल्ड शोइंग अप. कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह शो अप करना जहां पे तो होता है कुछ, क्या फ्यूचर है, क्या है ये, क्या होना क्या यहाँ पे. मैं तो एग्जाम्पल दू, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूं, एग्जाम्पल ठीक है. तो मेरा सीन है कि मैंने जो कोचिंग वर्ल्ड में ना, कोचिंग वर्ल्ड में आई डिड नॉट फॉलो द कन्वेंशनल पाथ, कि मैं कोई अकेडमी में कोचिंग करा रहा हूँ, डरा मैं वो नहीं करा. मैंने करा अपने क्राउड को यूज करते हैं, गेट सम पीपल टुगेदर, मेक देम ट्रेन एक ग्राउंड में, एक रैंडम ग्राउंड, कोई दिल्ली का डीडीए ग्राउंड, जो भी है रैंडमली, एंड अपनी कोचिंग स्किल को होन करते हैं. तो अगर जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, इट्स वेरी अनकन्वेंशनल. कभी कोई बंदा आ रहा है, कभी कोई नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं समझ रहा, तो इट्स वेरी अनकन्वेंशनल. तो देयर वर सेशंस जहां पे आई कोच्ड ओनली वन गाय, एंड देयर वाज लाइक मैं क्यों कर रहा हूं, लाइक क्यों, क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, समझ रहे, आई कैन डू बेटर थिंग्स, मैं क्यों कर रहा हूं, व्हाई, लाइक समझ रहे. बट आई वाज लाइक यस फक इट, शो अप, लेट्स शो अप. एंड बाय बाय द वे, आई शाउट आउट टू द गाय भाई, उसका नाम विक्रम है, विक्रम रावत, my brother always shows up, he was Sisyphus, he bhai, he was the one, he was the one jo initially kya Sisyphus he was the one, like for example we had no players, but I was like tu aa raha na, main to kuch khata hu, theek hai, teri bhi like improvement hogi, meri bhi coaching skill hone lungi, to we'll do it right. So we consistently started showing up and then one thing followed another, you meet people, when you show up na chonki, when you consistently show up, no matter result aa raha, outcome nahi aa raha, things follow and you get things, it's easy, like ye pura point, I learned this pura year, so from nothing I build a lot things is saal, like by the end ab mere paas samajh, like I feel so accomplished is saal, especially coaching world mein, ki bhai from nothing, zero bata sannata, kuch nahi aata, to being like ki I can do anything, and that only happened because of showing up. So chunki I learned the power of showing up, ki कोई आउटकम नहीं है, देयर इज नो लाइट, पीपल डोंट सी द लाइट, दे डोंट सी द विजन, यू माइट नॉट सी द विजन, बट वंस यू बी एक्टिव, द टाइम वेंट बाय, यू वेंट बाय, व्हेन यू स्टार्ट बीइंग एक्टिव, व्हेन यू स्टार्ट शोइंग अप रिगार्डलेस जो भी, एंड यू बी द, ये चीज टफ चाहूंगी, मैंने इस साल ये सीखे भाई कि यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट शोइंग अप, इवन इन द मोस्ट अनडेकोरेटेड ऑफ रूम्स, द मोस्ट अनअकम्प्लिश्ड ऑफ पीपल, you have to show up, you have to show up. Exactly bhai, and here we are, winners mentality, and here we are with a sip of wine, 6-2 the Lamborghini 2023 mein. Ha bhai, but I would say overall to bhai ye year bahut mujhe average laga, to be honest. To kuch karta Christmas special, do you like kuch bhi nahi, kya baat kar raha hai, nothing, it's proper. भाई मैंने क्रिसमस ट्री लिटरली बुलाया भाई, नो नथिंग, कुछ नहीं, अरे यार ये तो बहन चोद मर गया, नो फ्रेंड्स टू गो भाई, सिट एट होम तुझे भाई चौंकी, आई थिंक यू शुड नॉट सी दैट, क्योंकि यहां पे पॉडकास्ट के लिसनर्स थोड़े, दे एक्सपेक्ट अस टू लिव अ हैव अ लाइफ, समझ रहे, दे एक्सपेक्ट अस टू हैव अ लाइफ, कि हम एक एग्जांपल है, हम ऑब्वियसली, आई थिंक हम एग्जांपल तो ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए. हाँ, exactly. वो तो तुम्हारी wrong decision है, but वो ये कि like चौंकी, but I think चौंकी, like regarding Christmas पहले तो, how dare they think I have a life, how dare they, what did they expect भाई, some geek sitting on his computer telling you about expected goals और ये सब सही है, like what did they expect, actually expected goals और expected attendance,
एक्चुअली पीपीटी का था ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है चौंके दिस ईयर एक्चुअली जॉब फिलिक्स अच्छा नहीं है जॉब पीनिस And exactly, your opinion. Actually, relationism, positionism, ये सब फालतू. We did all that, भाई. We did geek shit. I don't know what you guys. चौंकी, like मुझे पता कि आज के ज़माने में बहुत वो होता है ना कि भंचोत, बहुत ही वो करते हैं, glorify करते हैं having a life. कि भाई तो Gen Z है, भाई तो बाहर जा रहे हैं, भाई parties हैं. मुझे क्या feeling आ रही है? हाँ, I think मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि smart work बहुत ऊपर है तो वो पता है. And you need to have networks, जो सब बकचोदी connection बनाओ सब चीजें. तो people sort of look down on people जो लौंडे घर बैठ के बस बहन चो बकचोदी कर रहे हैं, मतलब से वो कर रहे हैं कि एक geek shit कर रहे हैं कि ये you just if you code you code you have no life and again people say भाई क्या फायदा कोडिंग करने का, कोई लाइफ नहीं है. तो people expect एक balance always की balance क्या like तेरा perspective, like मेरा perspective ये है कि if you have a plan तो for example अगर तो कोडिंग करनी and you like coding and you have a plan and मैं बात करूं थोड़ी बड़े आइडिया की कि मेरे पास कोई ग्रैंड प्लान है कि by doing this मैं ये उखाड़ना चाहता हूं लाइफ में ये चीज, लाइक कुछ maybe I'm not saying कोई स्टार्टअप टाइप को ना, बट कुछ आइडिया होना, बेसिकली एक आइडिया होना, एक प्रॉपर प्लान होना, कुछ बेटर. इफ यू हैव अ प्लान, हां एग्जैक्टली, इफ यू हैव अ प्लान स्टिक टू इट, फक सोशल लाइफ, मैं तो ये बोलूंगा. मतलब डोंट ट्राई टू लिव इट. अगर दो तीन फ्रेंड है ठीक है नॉर्मल, बट अगर तुम उस प्लान से पूरा पूरा ऑक्यूपाइड हो, आई बिलीव जिनके पास सोशल लाइफ है जो बहुत वो कर रहे हैं एक्टिव एंड दे गो आउट एंड ऑल दैट कूल, बट दे वुड वांट टू हैव एक प्लान. जो एक गीक शिट है ना, दे वुड वांट दैट कि हाँ भाई लाइक एटलीस्ट ही इज कमिटेड अबाउट एक थिंग एंड इसके पास कोई ग्रैंड प्लान है, समझ रहे? मैं तो लाइक आई एड रादर बी दैट जगह पे देन जस्ट टू हमेशा फाइंड एस्केप्स सोशल लाइफ बहन चो उस बार उस क्लब वो बकचोद दीजिए ना, लाइक क्लब चले गए, ये चले गए, शराब पी ली, वीड स्मोक कर ली, ये सब इस सबसे तो ऑफ कोर्स लाइक वो तो नो डाउट. पर मैं ऐसे भी देखता हूँ लाइक वैसे पता क्या लाइक डू थिंग्स दैट इनफैक्ट मेक यू फील गुड, मतलब नॉट ए सेंस में कि having fun makes you feel good वैसे कि मतलब अच्छा alcohol भी it makes you feel good थोड़ी देर के लिए, not वैसा अलग है, but things that make you feel good about yourself. मेरे साथ पता क्या है, ऐसा नहीं है मैं कुछ नहीं करता, obviously मैं भी करता हूँ, like there is no person ऐसा जो एकदम ऐसा isolated life जी सकता है, पर मेरा point ये है कि sometimes these things don't make me feel good and it's not worth it. The like चाहे मैं घर बैठ के कुछ करूँ भी ना, पर वो जो एक non indulgence होती है on these things, they make me feel थोड़ा less guilty in a way. अब ये कह ले थोड़ा social programming हो मेरे को ऐसे, like I was brought up in a way, या फिर समझ रहे like कि मेरे को ऐसे inflicted है ये mentality, पर that's how I look at it. Like कई बार balance is good, और मतलब लोग कहते हैं कि जैसे but I, मुझे पता नहीं if balance exists. तैयार हो? Put on a cologne. जाना है नहीं जाना कहीं? Just like dress yourself up. Feel good. अमेरिकन साइको वाला स्किन केयर रूटीन, ऑल दैट जस्ट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि तुम एटलीस्ट लाइक डे को अच्छा अटैक कर सको. पर इन द एंड भाई नथिंग वर्क्स बेटर देन सफर्स शिट, जस्ट ग्राइंड द शिट आउट, नो बैलेंस. क्योंकि देख मतलब मैं समझ गया, आई थिंक बेस्ट चीज जैसे कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर न्यू ईयर 2024 राइट, एंड अगर तुम किसी भी प्रोसेस में हो, अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम कुछ भी करो, मुझे पता है द बेस्ट थिंग इज टू फर्स्ट टेक आई वुड से अ वीक, टेक अ वीक एंड प्लान एवरीथिंग आउट, हर चीज प्लान कर दो. अब ऐसे प्लान मत करो कि भाई सब कुछ मैं जो 6 बजे करूंगा वो, परफेक्शन से प्लान मत करो क्योंकि तुम ऑब्वियसली फेल हो गए, बट एटलीस्ट हैव ए ग्रैंड आइडिया. अब जिसके पास आइडिया नहीं है प्लान करने का, तो उसके लिए वो आइडिया है कि सिस्विस कर लो, कि जस्ट कीप शोइंग अप, कीप डूइंग शिट शिट जो भी है वो तो ठीक है, बट इफ यू हैव थोड़ा सा आइडिया पूरा प्लान इट एंड देन अप्रोच इट. क्योंकि द आइडिया क्या कहता है अप्लाइंग अ कलोन एंड गोइंग आउट एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, आई डोंट नो अबाउट दैट भाई, समझ रहे? थोड़ा लोनली है, थोड़ा दिख रहा है, हां थोड़ा जापानी कार्टून. मेरा तो भाई
ट्रू भाई, वैसे आने में देखे भाई, मैंने आई वॉच सम कूल शिट दिस ईयर. क्या देखा तुमने? हाँ विनलैंड सागा. अब तो तुझे पता ही नहीं होगा, तो यू आर मिसिंग आउट. तो बता देना, बता दे, तो बता दे भाई. विनलैंड सागा का सीजन 2 मार्वेलस, आई लव्ड इट, वेरी डिफरेंट. जुजुत्सु काइज़न ऑफ कोर्स पीक, आई डोंट नो तुझे कितना पता, लेकिन जुजुत्सु काइज़न इज द पीक शो. ठीक है, इट्स वेयर यू हैव टू बी एट. यू आर मिसिंग आउट लैड, यू आर मिसिंग आउट. ठीक है, क्या मिसिंग आउट लैड? देयर वाज, मैंने कर दी ना हरकत. एनीवेज, और क्या देखा भाई? आई विल वॉच होपफुली अब ईयर एंड से पहले देख लूं गॉडज़िला माइनस वन. आई विल वॉच दैट. वो किस मूवी? उसका टॉरेंट है भाई, उसके रिव्यूज अच्छा है. दे आर सेइंग इट्स लाइक अ वॉर मूवी विद गॉडज़िला. पता है मेरे को ना, मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरी एक लाइफ में प्रॉब्लम है. मेरे ना बचपन के थोड़े ट्रॉमा जो मेरे अभी तक रहते हैं. तो मेरा एक बचपन का ट्रॉमा ये है कि फॉर एग्जांपल जब मेरी थी ना 10वीं 11वीं, तो मैं था, तुम्हें पता, तो मेरा सीन बताता हूँ बेसिकली कि हुआ क्या था. बाय 10th आई वाज अ गुड स्टूडेंट, ऑब्वियसली हर कोई होता है. पर हुआ क्या था कि मुझे ना मिली थी इनिशियली, विच इज क्रेजी, मेरी सीजीपीए आई थिंक ऐसे बहुत 8.8 थी, ऐसा कुछ थी. और मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, तो वहां पे मर मरा के तुमको मिलती थी साइंस अगर तुमको लेनी थी. और मैं बहुत था हेल कंफ्यूज्ड कि मैं क्या लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं. मेरा ये था कि मुझे फुटबॉल, मुझे उस टाइम पता है फुटबॉल प्लेयर बनना था, सिंपल कि मुझे फुटबॉलर बनना है. मैं क्लब से ट्रायल दूंगा तो मैं साइंस के तो ऑब्वियसली फोकस नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियसली, तो आर्ट्स लेता हूँ एंड चौधरी करता हूँ. ठीक है, पर मेरे घर में पूरा बैकग्राउंड साइंस वाला, मेरी दोनों बहनें साइंस इंजीनियर सब. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर था, पर प्रेशर था भी नहीं, समझ रहे? प्रेशर था बट था भी नहीं, लाइक देवर नॉट प्रेशर, प्रेशराइजिंग पीपल. उनको देख के मेरी फट गई, मैं क्या करूंगा, मैं आर्ट्स लेके क्या है. यस और यस यस, क्या तो फुटबॉलर बने गए, क्या तो फुटबॉलर बने गए. सच बता, बने तो ऑनेस्ट, किसको झूठ बोल रहा है, बट जो भी. तो फिर बेसिकली तो मैंने क्या करा, मैंने मुझे याद है मेरी जो सीजीपीए थी ना, मुझे मिली थी कॉमर्स विदाउट मैथ्स. ठीक है, सुन तो हमारी 11th स्टार्ट हुई एंड मुझे मिली कॉमर्स विदाउट मैथ्स. मेरे सारे दोस्तों को मिल गई कॉमर्स विद मैथ्स, जिनको लाइक उनको जो कोर्स उनको मिल गया. ठीक है, एंड मैंने भरा था फर्स्ट प्रेफरेंस पे साइंस, then I preferred commerce with maths and then arts, ऐसा कुछ. ठीक है, तो मुझे मिली commerce without maths. ठीक है, तो हमें डाल दिया उस सेक्शन में जहाँ पे सारे नरले लोग बैठे हैं जिनको चेंज कराना है वो सेक्शन, जिनको बेसिकली या तो commerce with maths, जिनको या तो साइंस जाना है, जिनको बेसिकली अपग्रेड करना है, जो लाइक होप पे बैठे कि हाँ जल्दी खत्म हो बैंक, उनको अपग्रेड करना बेसिकली, क्योंकि एक हल्की सी विंडो होती है ऑफ अपग्रेडिंग वो सब चीजें. तो फिर मुझे याद है मेरा बहुत बड़ा कांड हुआ था. मैं ना कंफ्यूज है कि करूँगा, तो मेरा एक दोस्त था, तो मैंने कहा यार माँ चुदा है, उसका नाम शिखर था, मैंने कहा माँ चुदा है आर्ट्स लेते हैं, अपने पैशन फॉलो करते हैं. बिल्कुल मैंने ये बोल, बहुत ही नॉर्मल गली चलाई, अपने पैशन फॉलो करते हैं तो रेस्ट लेते हैं. शिखर आजा, जिंदगी जीते माँ के चुप, क्या करेगा कॉमर्स, आजा. मैं लिटरली, ठीक है, तो हम गए चौंकी, रियल स्टोरी, हम गए हमारे स्कूल की हिस्ट्री टीचर के पास, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी. ओके, एंड हिस्ट्री टीचर ने क्या करा होगा, उसने क्या लिया होगा, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस? तो उसने पूरी होप तोड़ दी. तो अल्टीमेटली लड़ा के मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया, मैंने लड़ा प्रॉपर, पता कांड हुआ था प्रॉपर. तो बेसिकली हुआ क्या, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस गया एंड मैंने कहा मैम मुझे प्रमोट कराने, मुझे लाइक साइंस ये विद इको, मेरा ये था मुझे साइंस विद इको, मैंने वही करी थी बेसिकली. मैम कह रही तुम्हारे नंबर तो है नहीं, मैंने कहा बट मैम एक बंदे का भी हुआ है, मैंने एक बंदे का हो गया था मर मरा के, मैंने कहा तू एक सीट मेरा हो सकता है. मैं बहुत लड़ा तो ना, मैं बहुत ईगो से आया, मैंने छाती छोड़ी थी. प्रिंसिपल हमारी बहुत बड़ी है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी हो, ठीक है, शी माइट बी सेलिब्रिटी, आई एम नॉट किडिंग. ठीक है, और उसको देख के फटती थी, मैंने उसकी बिंदी इतनी बड़ी थी, मैं कांट समझ रहा उसके सामने, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ. वो मुझे कह रही है, पता मैंने उसे क्या बोला, मैंने उसे क्या गोली दी, मैंने कहा मैम मैंने ऑलरेडी साइंस ट्यूशन लगा लिया, तो मुझे साइंस मिली, अब तो मेरा तो कट गया. कह रही ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, इसको आंसर करो, पेपर दो, इसका आंसर करो, कर दोगे? मैंने कहा मैम कर दूंगा. और चौंकी, मैंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला था ना मैं कर दूंगा, उसने मुझसे पूछा नहीं. समझ, अगर वो पूछ लेती तो मैं बोला आई हैड कॉन्फिडेंस, पीक कॉन्फिडेंस, मेरी छाती वाज देयर. मेरी मम्मी बगल में थी, प्रिंसिपल कहती कि लुक एट द वे ही इज टॉकिंग टू मी मैम, प्रिंसिपल कहती मेरी मम्मी को,
Look at the way he's moving. Why is he so arrogant about it? क्योंकि मैं बहुत गुस्सा था. मैं था कि मैम उसको मिल गई, मैम आई डू इट. मैं बिल्कुल ऐसे, मैंने मेरे को कंडीशन दी प्रिंसिपल ने कि अगर तेरे बोछड़ी के अगर तेरे 11th में 60% से कम आए तो आई विल मेक श्योर तू वापस 11th रिपीट करे विद कॉमर्स विदाउट मैथ्स. तो उसने प्रॉपर कंडीशन डाल दी, मुझे बिल्कुल डराने की कोशिश करी. तो अल्टीमेटली मुझे साइंस इको मिल गई. एंड गेस व्हाट मेरे 11th में कितना है, गेस व्हाट मेरे 11th में कितना है, barely made it out. And I leave that to the audience. एक न्यू पोल, आई वांट इमेजिनेशन, गेस मेरे कितना एग्जैक्टली. I leave that to the audience. But भाई मेरी बहुत शिटी, मैं तो बस एंट्रेंस वगैरह पे ध्यान दे रहा था. I didn't even know स्कूल में क्या चल रहा है इस टाइप का. हां भाई ना भाई, बट स्कूल क्यों याद दिलाती है भाई, वो भी मैं स्कूल में अंदर रहा ना, मैं स्कूल में अंदर कॉलेज लाइफ, इतना डिसडेन है मेरे को अपनी कॉलेज लाइफ से और अपने रिग्रेट से. इट्स लाइक आई द वेट ऑफ माय अनफॉरगिवेबल सिंस इन माय कॉलेज लाइफ ना, आई कांट बेयर देम. भाई मेरे कॉलेज तो बस, मेरा तो कॉलेज वो था, माय कॉलेज वाज मोस्टली व्हेन आई स्टार्टेड माय YouTube. तो द मोमेंट मेरा कॉलेज दोनों ही बारहवीं खत्म हुई थी, आई स्टार्टेड YouTube. एंड उसके बाद तो भाई इट वाज ओनली YouTube जो मैंने दबा दबा करा. कॉलेज तो मैंने बस कर लिया हमारे, पता मेरा कॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या था, मेरा था कि मानसू क्या करते हैं, ग्राउंड में आके बैठते हैं, कैफेस जाते हैं, फेस्ट जाते हैं. मेरा बहुत ही वो था, बहुत ही एंटी सोशल वो था कि यार क्या है ये. सब तो मेरा एक आइडिया है, मुझे YouTube बिल्ड करना है, लाइक मुझे पसंद है फुटबॉल, लेट मी ट्राई डू दैट. एंड भाई आई थिंक I made a good choice. Like, मैं तो when I look back, I think I made a very good choice. Wonderful choice. You can do. तू खुद पता imagine रचों की. जब लोग college में आते हैं mostly initially, उनका idea होता है कि एक conventional path follow करो. Maybe if to be two steps ahead, कोई internship कर लो, कोई पहले से चीज try कर लो कुछ. जैसे एक दोस्त को मैं जानता हूँ, वो भी editor. He's a editor. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो. He's 17, 18 basically. ठीक है. He's very young. अभी भी college आया वो. पर भाई उसका सीवी क्रेजी, क्योंकि उसने इतनी फ्रीलांसिंग काम करी है, उसने इतनी इंटर्नशिप करी है, उसने अपनी वीडियोग्राफी वाली शिट में इतना काम करा है, एडिटिंग, डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखना, अपनी स्किल को इतना इंप्रूव करा है. क्योंकि अल्टीमेटली द ओनली थिंग व्हिच विल तुम्हारा पेट भरेगी इज योर स्किल. सिंपल स्किल एंड नेटवर्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट. हम लास्ट बार ही बात कर चुके लास्ट पॉडकास्ट में. उसने ये पाथ फॉलो करा एंड मैं उससे बात करता हूँ 18 साल का भी, भाई ही ऑलरेडी टू मेनी स्टेप्स अहेड. भाई कम ऑन, the amount of people जो college जाते हैं, they rely on the system कि भाई चल मैं बैंच हो ये करूँगा, फिर वो, फिर it's भाई you the moment like जब मैंने college pass out करा, बड़ी थी मेरी college की, यही तो सबसे बड़ी bullshit थी. This is the like मैं वही तो कह रहा हूँ, this is the burden I cannot bear. जब मैं ये realize करता हूँ, मैंने look back, मैंने अपने I want to, I wish it I don't exist after realizing this. मतलब मैंने first year जो भी मतलब जब start हुआ उसके थोड़े time बाद, तेरे से शायद एक साल बाद या समथिंग लाइक दैट, मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला था. और फिर मैं भी था कि ठीक है फाइन, आई जस्ट डू इट एज वेल. मेरे को फुटबॉल में भी बहुत इंटरेस्ट था और मैं इतना, इनफैक्ट इतना गीक था उस वक्त. आई वाज वाचिंग ऑल काइंड्स ऑफ फुटबॉल, लाइक साउथ अमेरिकन. एक्चुअली विनायक मेरे कमेंट, मुझे याद है विनायक को मिला था कि हम शिखर और मैं करते थे पॉडकास्ट, हमको तीसरा बंदा चाहिए था. एंड विनायक मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस के बाद मेरे से लड़ता था. एंड विनायक पता मेरी इतनी अटेंशन ग्रैब करता कि मुझे गुस्सा आता था कि बहन फ्रेंड को पता था. मेरा एक पॉइंट हुआ था कि भाई आई हैव टू मेक अ वीडियो एंड इस चूते का कमेंट किया इस वीडियो के बारे में, ये क्या बोल रहा है, अब इसे क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या दिक्कत है मेरी वीडियो से. और मैं वेट करता कि कब ये कह रहा है. और हम पता डरते थे. विनायक कहता कि भाई एक्चुअली जो तुमने बोला मैं उससे डिसएग्री करता हूं ये. एंड हमारा डिस्कशन आई डोंट नो हेल्दी था ना वैसे, वो जो इंस्टाग्राम पर थोड़ा बीच में करते थे बैक एंड फोर्थ टाइप पर, हां बीच में एक दो रैंट होती थी हमारी, कुछ एक थोड़ा मैंने अब कॉन्शियस डिसीजन लिया कि इट विल बी फुटबॉल इंस्टेड ऑफ टेक. I made this decision, ठीक है? I could have done, मैं भी internship कर सकता था, मैं भी proactive हो सकता था तब, like अपने college years में. I didn't do it till third year. Third year में जाके मुझे पता चलता है, अच्छा भाई, shit, ये DSA पढ़ दिया, वही JE type का है, ठीक है? I have to do this. अब मेरे पास कुछ महीने बचे हैं before placements to do this, get placed as quickly as I can. और उसमें भी पता क्या हुआ?
फर्स्ट कंपनी कम्स इन आई वाज सो लाइक मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने बच्चों उनके पास तो रिज्यूमे है छाती दबी हुई खुदी हुई अंदर अपना मुंह अपना डाल के बेरली आता था मुझे मैंने जो जल्दी जल्दी पढ़ा था वो आई क्लियर द इंटरव्यू वगैरह पहली कंपनी में लक ऐसा चला इतना आता था मुझे हुआ और फिर मैंने सोचा फिर वो मेरे को एक डोपामिन हिट हुआ शिट आई कैन डू दिस मे बी आई हैव लाइक कुछ कर सकता हूँ इसमें ठीक है लाइक आई एम नॉट दैट बैड आई एम लाइक एज बैड एज आई थॉट क्योंकि और लोगों का नहीं हुआ क्लियर मेरा हो गया क्लियर मैं देख रहा था भाई ये जो पढ़ रहे थे इनपे तो रिज्यूमे था दो पेज का तो फिर मैंने सोचा शिट अब मेरे को करना है पढ़ाई अब मैं करूंगा ये और अब जो भी नेक्स्ट मेरे को चांस मिलेगा वो मेरे को मिला ही नहीं बाय द वे देयर वाज नो अदर कंपनी जो आई पर वो जो नेक्स्ट मैंने सोचा था नेक्स्ट चांस Amazon आएगा मैं ही निकालूंगा वो ऑल्दो दे डिडंट कम पर मतलब दैट वाज द एम तो मेरे को तो लगता है मैंने सारा बेकार डिसीजंस लिए तो मैं या तो मैं YouTube कर लेता मैंने वो भी या तो मैं यही टेक बॉय बन टेक ब्रो बन जाता भाई जो लोग सेल करते ना कि भाई क्या कहते हैं उसे कि भाई इट्स नॉट टू लेट यू कैन गेट आउट ऑफ कॉलेज एंड यू कैन स्टिल ट्राई वो सब चीजें साउंड्स गुड बट आई थिंक अब अगेन ऑब्वियसली डिपेंड करता है जो भी सुन रहे बट बेस्ट हेड स्टार्ट टू अप्रोच कॉलेज लाइफ इट्स नॉट थिंक अबाउट कॉलेज लाइफ मुझे ऐसा इट्स तुम्हारा एम होना चाहिए कि द मोमेंट थर्ड ईयर या फिर फोर्थ है जो भी तुम्हारा कोर्स है खत्म हो यू आर एस्टैब्लिश्ड यू आर स्किल्ड हां भाई एस्टैब्लिश्ड है फैक्ट्स फैक्ट्स है ना ये एम होना चाहिए कि बट दिस इज नाउ दिस इज वेयर आई गो यू हैव टू बी क्योंकि बस आई थिंक लाइफ में ना आजकल आई नो हर किसी की डिफरेंट क्लॉक होती है ऑफ सक्सेस वो सब चीजें But I think सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक आज की लाइफ में जो करंट स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत रेलेवेंट है इज द स्पीड स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई पीपल कैन टॉक अबाउट कि भाई आई विल टेक माय टाइम व्हिच इज फेयर कि भाई दिस इज माय जन मेरी डेस्टिनी स्पीड इज भाई इफ समबडी इज अहेड ऑफ यू इज अहेड ऑफ यू सिंपल एक्सेप्ट इट एग्जैक्टली भाई समबडी इज 18 एंड ही इज मेक इफ समबडी इज 18 एंड ही इज मेकिंग मिलियंस ही इज अहेड ऑफ यू डोंट बी लाइक कि नहीं कोई बात नहीं मेरा टाइम आएगा अपना टाइम आएगा मेरी क्लॉक आएगी ना 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 यू लेट मे बी आएगा बट यू आर लेट बट दैट्स हाउ इट इज भाई मैं तो और पता है हमने इफ आई रिमेंबर हमने शायद पहले या दूसरे अपने लंगूर्स का एपिसोड था उसमें ये एग्जैक्टली ये बात भी करी थी लाइक लाइफ का भी ना एक ऐसे एल्गोरिथम है रियलिटी का दैट इट रिवॉर्ड्स पीपल हु डू इट फर्स्ट मोर देन इट रिवॉर्ड्स पीपल हु डू मे बी हार्ड वर्क मोर बट लेटर दे माइट हैव वर्क्ड हार्डर They might have put in more hours. It's all about the. They were late. भाई, there are so many people. वो कौन था भाई जो एक वो ना क्या नाम है चूते का मैं उसको चूते नहीं बोलूँगा obviously एक था ना वो motivational speaker जो कह रहा I would have invested in Uber. I knew those guys. मैं Uber में invest कर देता पर उसने करा नहीं था चूतिया ने. तो भाई okay, it's about वही like तूने सही कहा. भाई I think सबसे important is the first one to land the opportunity. The first one. और पता है मैं अभी पीछे एक बार वो भी ये देख रहा था लाइक कि अब मेरा एक लाइक जेन्युइन गोल है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ईयर इज टू हैव अब जैसे ये कह ले लाइक दिस इज द लर्निंग आई लर्न फ्रॉम माय कॉलेज ईयर अब क्योंकि इसी साल खत्म हुआ है कॉलेज मेरा तो इम्पैक्ट भी ज्यादा है मेरी कॉलेज लाइफ का बट इट वॉज आई नीड टू हैव सम डायरेक्टेड ऑप्टिमिज्म मैंने अपनी लाइफ कैसे जिया लाइक बचपन से टू बी एस ऑलराउंडर टाइप गुड इन स्पोर्ट्स एथलेटिक बंदा गुड इन स्टडीज कुड डू इट ऑल टाइप म्यूजिक वगैरह भी समझ रहा है उस पे भी इंटरेस्ट वगैरह अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक जगह पे फोकस हैव ऐसा बिलीफ मतलब कोई एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे मैं सोच रहा हूँ भाई ओके दिस इज वेयर आई नीड करना भाई ये भी ना एक सेकंड रुक भाई मैं बेटा सेकंड शिट
हाँ तू कर कर कोई नहीं कर ले कर ले क्या रजत आई तो भाई यहीं पे तो रह गए हम यहीं पे तो रह गए आई तो रह गए हम हाँ भाई आवाज आ रही है बढ़िया हाँ बता हाँ कंटिन्यू भाई लंगूर सेक्शन हाँ बारी हाँ बारी हाँ क्योंकि भाई ये दिस डजंट वर्कआउट मतलब हम लाइफ में ना बचपन में हमारा आइडिया होता है कि टू नो सो मच कि जैसी मोमेंट आएगा ना कुछ शिफ्ट करने का अपनी पर्सनालिटी लाइक मतलब ट्रेड्स को अपनी फंक्शंस को विल बी एबल टू पिक अप थिंग्स क्विकली क्योंकि हम ऑलराउंडर हैं आई नो इट ऑल पर ये लाइफ में कभी किसी की हेल्प करा है आई डोंट थिंक सो भाई मेरी तो जीरो हेल्प करा है आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर मैं फोर्थ क्लास से फिर भी यार मैं तेरा पॉइंट समझ गया वो तो है ट्रू अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू मेक योर चाइल्ड अ फुटबॉलर पैदा होते कि दो महीने बाद उसको बॉल पकड़ा दो पैर पे एंड वो ना कि वो बॉल में किक तो करेगा तो ग्रैब करेगा कोई नहीं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली भाई मैं उसमें एग्री करता हूँ ऑब्वियसली बट पता है आई एम नॉट वेरी मच अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल क्या समझ गया था ऑलराउंडर टाइप शिट इतना मैं अगेंस्ट आई थिंक ऑलराउंडर शिट ना तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है इट कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी यू माइट मीट डिफरेंट पीपल यू माइट नो हाउ लाइफ वर्क्स डिफरेंट एटमोसफेयर में डिफरेंट जगह में समझ रहे इट माइट हेल्प यू एज अ पर्सन बट अगेन अल्टीमेटली यू हैव टू डबल डाउन एक चीज पे सिंपल ये तो बेसिक्स है तो वही है कि जब तुमने बोला कि माई डिसीजन ऑफ आइदर डूइंग यूट्यूब बहुत अच्छी तरह या फिर माई जॉब या जो भी तरह कॉलेज वाला सीन था इंटर्नशिप डर उस टाइम पे यू आइदर हैड टू मेक अ प्लान जहां पे तो अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली यूज करे पहली चीज विच आई थिंक इज द बेस्ट वे बट इट्स वेरी टफ टू डू इट्स वो अच्छे ऑलराउंडर्स होते हैं हु एक्ट देख ऐसे बहुत चौंकि ऐसे इतने लोग हम जानते हैं मैं खुद जानता हूँ तो भैंसू ये कैसे अभी ये कर रहा है फिर वो कर रहा है फिर वो कर रहा है और हर जगह एफिशिएंसी तगड़ी कैसे कर रहे हैं दे प्लान इट चौंकि दैट्स इजी भाई इट लुक्स टफ बट दे प्लान इट दे मेक इट इजी दे टेक अ डे दे प्लान इट दे लाइक यू फक इट अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन कांट डिस्ट्रैक्ट मी दिस इज माय प्लान मच दैट आई स्टिक टू माय प्लान एक तो ये हो गया यू स्टिक टू द प्लान दूसरा आई थिंक जो तेरे केस में इट्स अबाउट की फक इट मेरे को वैसे थॉट्स बहुत आते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के यू गेट थॉट्स फक इट आई डबल डाउन ऑन वन थिंग तो वहां पे यू सैक्रिफाइस एक चीज जो करने में तेरे में गुदा नहीं था दैट्स वेरी लॉस्ट अगर तू उसको लुक बैक करता ऑब्वियसली दो यू डिडंट लूज ऑब्वियसली तो भी बहुत अच्छा कर रहा है बट वैसे उस कॉन्टेक्स्ट में like people can take learnings basically उस चीज समझ रहे हैं for example मेरे केस में it was all about double down देखिए मेरा था कि I was good on music का तो मेरा बहुत मेरा appreciation मुझे मिली थी कि I can do something उसमें but still I was like ठीक है cool पढ़ाई में I was not bad like I'm somewhere like I picked up things well I was like cool you know I had that thing okay, it was not a problem people think exactly, I did for a reason exactly Hashtag give me some sunshine. But I could do that. But मैं था ये भाई let me do this. Why? Because I felt like YouTube जो था ना जब 2019-18 में मैंने start करा था 2019 initially. I thought I was the first one to do it. तो जितने बोला ना कि the एक first opportunity you sense एक market you sense एक opportunity you sense एक stock जो grow करने वाला है. I sensed it. Yeah. And I was like, fuck it. Ma, fuck it. Ma. I go all in. I go double down. And when I woke up. Yeah, you know, chai, bhai. And when I look this back. This is how you should move in life. No, ye bhi hona chahiye, I would say. Like, different. There is a podcast bahut acha, Naval Ravikant ka. I think everybody should watch it. So, I think I told you to watch it. I don't know. Naval Ravikant's podcast is Joe Rogan ke saath. Thoda podcast, man. Usme usne bola ki, bhai, there are multiple ways to attack life. वो कह रहा है उसने पता कैसे कॉन्टेस्ट कॉन्सेप्ट प्रीच करा लाइफ का उसने बोला कि उसने बेसिकली जॉनी सिंस कॉन्सेप्ट प्रीच करा कि यू कैन बी एनीथिंग एट सेम लाइफ उसने बोला कि अगर मैं एक लाइफ जी रहा हूं आई वुड नो जैसे कि नवल रविकांत एक वो है ट्रेडर है नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसे इन्वेस्टर है बेसिकली ही इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्री कंपनीज बट वो ऑल्सो वेरी गुड बिग ऑन स्पिरिचुअलिटी है ऑल्सो वेरी बिग ऑन सर्टन थिंग्स है उसने बोला कि मेरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है इज टू अप्रोच लाइफ आई कांट डू वन थिंग ओनली कह रहा ह्यूमन ब्रेन इज टू स्मार्ट टू ओनली डू वन थिंग ह्यूमन ब्रेन इज टू ह्यूमन बॉडी इज टू वर्सटाइल टू डू ओनली वन थिंग तो बेसिकली हैव डिफरेंट आइडियाज डाइवर्सिफाई करो अपने डाइवर्सिफाई एंड आई थिंक उसका बेस्ट अप्रोच ये है कि यू कैन डू टाइम फ्रेम में चीजें कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो एज है यंग तो मे बी इस टाइम पे तीन चार साल हम एक चीज को दे
एंड देन उसके अगले चार पांच साल में चीज को दे समझ रहे थोड़े वैसे में अप्रोच करना एग्जैक्टली आई थिंक अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू प्लानिंग शोइंग अप एंड देन बिलीविंग इन गॉड आई थिंक लाइक मेरे को लगता है ये दो चीज तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू हैव ये चीज बिकॉज़ एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई तुम्हारा कल्चर तुम्हारा तुम्हारा सराउंडिंग्स हम वो क्या बने पड़े चौंकी मोटिवेशनल बकचोदी हाँ भाई ये ज़्यादा हो गया भाई भाई सही है भाई ठीक है भाई मरगट है भाई मार काट के खत्म कुछ नहीं होना पड़े रहेंगे यार डू भाई चौंकी यार मेरे पता है गोल है कुछ होल्सम करना चाहिए क्या होल्सम चल तू बता पहले गोल बता पहले फिर क्या पता गोल डिप्रेसिंग हो तो उसके बाद होल्सम करेंगे चौंकि मेरे पता है एक मेरे में अब भी को कीड़ा है गंदा सा कि यार एक तारीख आते मैं स्टार्ट करूंगा न्यू ईयर रेजोल्यूशन न्यू ना सिर्फ न्यू ईयर की बात नहीं लाइक हर महीने की इवन डेज समझ रहे इवन डेज समथिंग अबाउट दोस डेज तो कुछ ये तो 25 नंबर या फिर कुछ ऐसा कि भाई दिस इज द परफेक्ट टाइम स्टार्ट करते हैं I will win. What? RIP Shikhar. RIP Shikhar. Exactly. RIP Shikhar. RIP Shikhar. This next year, bhai. You can put it on the walls. Write it down in your diaries. I'll win, bhai. You can ring the bells. You can open the gates. Exactly, bhai. This is the aim, bhai. This is the simple, bahut delusional. Be delusion. I want to be deluded this year. I want to be in so delusion. And someone like... I want to be confident once in my life. Ek baar mere ko chahiye bhai. I don't give a shit. I'm the best. I'm the most ruthless. This type. I'll win. Matlab, I just want to win. This year, I'll win. I'll only think about positive things. Marghat stays in 2023, guys. 2024, winners only think about winning. That's how we move. Mera ye goal hai. That's a good goal. That's a positive goal. That's a positive goal. But jab tu goal banata hai, when you make a goal, हम गोल बनाए थे वी कैन मेक गोल्स कि भाई ये कर रहा हूं बट वी डोंट थिंक अबाउट मेंटेनिंग इट हाउ डू यू मेंटेन इट हाउ डू यू प्लान टू मेंटेन इट तो फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइफ विल टेस्ट यू गॉड विल पुट द हार्शेस्ट ऑफ एग्जैक्टली गॉड विल टेस्ट यू ही विल स्ट्राइक यू विद थंडर्स व्हाट विल यू डू देन यस हाउ ही विल ब्रिंग द मोस्ट फ्राउनी थिंग्स अपॉन यू ही विल फ्राउन अपॉन यू विद द मोस्ट नेगेटिव थिंग व्हाट डू यू डू देन डू यू ब्रेक डाउन Or do you be Sisyphus? At some point. Sisyphus and Rose ek motivational reel dekh ke hi rahunga. Ek to dekhunga hai. David Goggins. The plan is over. The plan is failed. The plan is failed. I don't know, bhai. Will I be able to continue it? Probably not. But I think agar ek month bhi chal gaya na, and 1 month is a long time. I think it will like have a very carry like bada sa carry over effect in my life. I've never been aise wo banda. I've always been aise ek fake humility wala. Like is my humility does my humility even have any virtue? Samajh raha like aise why am I even humble? I don't do shit. To par fir main hamesha us tarah se is bar bhai I want to win. I'll win is type se rehna. Change of pace thoda. Ye idea. पर पता मैं क्या होल्ड सुन रहा था वैसे तूने नहीं बताया अपना गोल व्हाट इज योर गोल न्यू ईयर मेरा गोल पर मेरा ग्रैंड गोल है मेरा वो गोल नहीं है कुछ समझ ना कोई ऐसा ईयर के गोल नहीं होते मेरे ईयर के गोल समझ गया मैं मेरे पास ये जस्ट लाइक लिव डे बाय डे डू द मोस्ट एंजॉय द डे लेट लाइफ थ्रो व्हाट डज इट यू ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ट्राई टू शो अप Like, I think इस साल में सब बहुत destiny वाली चीज़ है destiny वाली like one thing followed another and then बहुत चीज़ें हो गई तो अब मैंने कुछ plan भी नहीं करता अगर तू बोलेगा 2023 में मैंने coaching तो plan ही नहीं करी थी did not plan it when I was like नहीं coaching तो मैं नहीं करूँगा नहीं come on कुछ और plan होगा कि मैं ये करूँगा
did not but happened the whole year was about coaching the whole year and I remember last year jab naya style started the world cup just khatam hua tha so it's like I could have been ki bhai mera idea tha ki bhai ab to youtube pe bhai but the whole point is ki coaching came out of nowhere so cheeze happened I want to be surprised by life I like to be surprised and not in the it could be negative maybe ways. I need to thoda flow through it as well bhai I believe bhai the most important thing in life the most important virtue in life jo har koi seekh sakta hai because I believe people humans bring the best and the worst out of us we do not exist without humans you do not do your coding bs I do not do my football without people hum log itna anti social bolne ki anti we exist because of people so the point is ki I like to trust in people it sounds bahut hi wo ki bhai nahi you should not trust people kya but mera ye hai ki bhai if you can go out kyunki hear this out mera idea ka filter hai if you can go out on a sunday morning and you say you don't trust people because ye backstab karte hain snakes hain but you then book an uber and you trust a driver to carry you you trust your life on that driver you kya tum us driver ko kabhi seekhte ho dekha like jab wo gaadi chala raha tha did you watch his process of learning you don't know his name in fact when usko alcohol breathalyzer test bhi nahi kiya he might be drunk exactly he might be drunk exactly but we trust him we use our like we trust him so I like faith. To trust god exactly faith I like to put my faith in god do my virtue put my faith in god and let life surprise me bhai main to ye karna hai I just need to have a good time bahut ho gaya bhai market and shit I have thought about like, overthought a lot I need some peace like apni life mein is type true thoda goodwill thoda good vibes samajh gaya na subah uth ke ek aise scented candle jala ke ऐसे for no reason good slick hair करके पीछे कंघी मार के gel लगा के exactly Vaseline. I need to do that भाई and I think I deserve it भाई we all deserve भाई we all deserve जो भी podcast सुन रहा है भाई I think they deserve it जहाँ तक है भाई they all deserve I believe हाँ but क्योंकि moving एक different topic पे काफी interesting topic है which is I don't know तो उसपे कितनी attention pay कर रहा है it's a very weird topic but मैंने एक चीज सीखी एक और इस साल डोंट मेक हीरोज डू नॉट मेक हीरोज ये ऑब्वियसली काफी पुरानी चीज है चौंकी ऑब्वियसली मेरा हीरो तो नहीं था बट इट्स अ वेरी बिग यूट्यूबर कॉल्ड संदीप महेश्वरी ओह भाई आई हैव बिग यूट्यूबर राइट तगाए आसान है सब कुछ आसान है भाई मोटिवेशनल सब कुछ भाई हाँ. भाई एवरीथिंग भाई उसने एक बंदे को अपने उसका जो शो है वहां बुलाया विवेक क्या नाम बिंद्रा नाम है हाँ विवेक बिंद्रा हाँ विवेक बिंद्रा विवेक बिंद्रा जो बेसिकली एक बिजनेस क्या कहते हैं उसे मुझे पता नहीं क्या है वो मोटिवेशनल बट थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड है थोड़ी बिजनेस कंपनीज को एडवाइस करता है एडवाइस पर टेक्निकली इशू का एमएलएम स्कीम है मैं जो सी कुछ जो एंड्रॉइड वाली बकचोदी कुछ कि बच्चों को से 50,000 लेना है स्कूल मुझे पता नहीं विवेक बिंद्रा गया संदीप महेश्वरी के शो में दोनों ने दोस्ती करी दोनों ने बातें करी एंड अब दोनों की लड़ाई चल रही है भाई डोंट मेक हीरोज कितने लोग भाई कितने लोग दे लुक टू दिस पीपल एंड दे बी भाई ये तो परफेक्ट है भाई You have to embrace कि ये सब गलीच है they all are गलीच despite of having resources जो 10x है 100x है a lot of normal people से they're still गलीच the way they're fighting में जो क्या hashtag stop विवेक बच्चों की इधर मतलब है जो मतलब भाई पर इनके तो कुछ ऐसे भी होते हैं I'm not wrong इनकी ऐसे ये कोर्स वोर्स भी बेच रहे थे और कोर्स ऑब्वियसली एकदम वेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट डैम टाइम एंड मनी लोगों का तो वैसे कुछ कुछ लॉन्डे हैं संदीप के शो में कोई एक दो लॉन्डे हैं वो बोल रहे हैं भाई हमने कोई स्कीम कर दी फेल हो गया बैंक हमारे 50,000 डूब गए बकचोदी हो गई तो उसने डाल दिया संदीप महेश्वरी ने डाल दिया वो थंबनेल में एक ब्लैक फिगर
कि हु इज द गाय, लाइक समझ, लाइक उसने नाम लिया नहीं बेसिकली, तो फिर विवेक बिंद्रा जो भी था उसने उसको बंदे भेज दिए संदीप पे कि भाई तू क्या कर रहा है, डीएम क्यों ऐसे कर रहा है मुझे, संदीप क्या मैं तेरा नाम लिया भी नहीं, nobody took your name, and then वहां से beef escalated, वो सब बकचोदी, it's weird, so it's just, it's weird, like come on, चूंकि where are we having a beef, with... where are we having a beef, Can you beat me? Can you outrun me in a boxing ring? Can you outrun me? outrun, I might not, क्योंकि ये cardio थोड़ा cardio master है. लेकिन come on भाई यश, come on भाई. क्या? आई क्या? आई this में 10 days of gym. Come on, chonky. आई भाई facts है भाई. I'll gladly lose to you भाई. क्यों? Ain't no shame in giving my brother glory भाई. मेरे जैसे और भी थे ऐसे, मेरी जैसी उनकी भी महत्वाकांक्षाएं थी, इम्पोर्टेंट डिजायर्स, इम्पोर्टेंट वांट्स, नीड्स, एस्पिरेशंस, ऑल गॉन बाय बिफोर. कोई बात नहीं चौंकी तूने भी कहा था कि मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूं, पर कोई नहीं, अभी एक तरीक नहीं है, कोई बात नहीं, हां एक तरीक नहीं है बच्चे, 4 दिन वी हैव स्टिल हैव एग्जैक्टली 3-4 डेज. तो भाई बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट वी विल प्ले एक छोटी सी गेम, ठीक है? तो बेसिकली मैं एक साइड पे हूं, पता है अभी लाइक व्हाइल वी डूइंग द पॉडकास्ट मैं एक साइड पे हूं एंड बहुत ही गलीच बेसिक बकचोदी करेंगे जहां पे वी विल आस्क, तो स्पेशली आई विल आस्क क्वेश्चंस चैट को, चौंकी को ऑब्वियसली, दिस और दैट क्वेश्चंस रैंडम ऑन द न्यू ईयर्स ईव, ऑन द क्रिसमस ईव, व्हेन द रिंग द बेल्स रिंग द फ्लड गेट्स ओपन फॉर अ न्यू ईयर, मे बी वर्ल्ड वॉर 3 हैपेंस, यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? एग्जैक्टली, फनी गेम, वी विल ट्राई टू ना, दिस इज आईक्यू, हाई आईक्यू गेम बेसिकली. परफॉर्मेंस एंजाइटी, रुक जा, मुझे दिस और दैट में, देखो दिस और दैट में चूज करना है, ठीक है ओके, आईक्यू टेस्ट. तो पहला क्वेश्चन है, लेट्स डू इट. तो पहला क्वेश्चन है, वुड यू रादर स्नीज इन पब्लिक और कफ इन पब्लिक? क्यों? क्योंकि मेरी स्नीज ऑब्नॉक्शियस है, आई हैव दैट एकदम, समझ रहे, लाइक एकदम जो सब एवरीबॉडी विल नोटिस, भाई कफ करना बोल रहे कि 2023 में कफ करना, कफ थोड़ा बोल, बट कफ थोड़ा लुक्ड अपॉन है ना कि भाई कफ कर रहा है भाई, इसको कुछ होगा, पीपल जज कर रहे थे. अच्छा, इसको वो है, स्नीज कुड बी जस्ट कोल्ड है, कफ, मैं बताऊं, लाइक वुड यू रादर बी स्नीज्ड ऑन या फिर कफ्ड ऑन? आई वुड से कफ, स्नीज्ड ऑन. व्हाई बता दूं क्यों? क्योंकि जब कोई स्नीज करता है मोस्टली उनका डिफेंस मैकेनिज्म इज टू ब्रिंग देयर आर्म अराउंड, पूरा छुपा लेना बेसिकली. कफिंग टाइम द कफिंग की आवाज, अगर बल्किंग बल्कम वाली कफी कफ हो, जैसे छाती में ऐसे पार्टिकल्स जो जमे होते हैं और वो ऐसे वाइब्रेट हो जाते हैं, हवा जाते हुए, पता है, पर मेरे को उसमें थोड़ा एक, इट साउंड्स थोड़ा किंकी, आई विल टेक कफिंग स्टिल, ठीक है, समझ रहे, आई विल टेक इट, ठीक है. एक और छूटा क्वेश्चन, पता नहीं क्या इसका मतलब, एक बहुत चूतिया क्वेश्चन है, पर इसका मतलब मुझे पता नहीं क्या है. वुड यू रादर बी वर्किंग हार्ड और वुड यू रादर बी हार्डली वर्किंग? हार्डली वर्किंग, हाउ इज दैट इवन अ क्वेश्चन? देयर वाज ऐसे पॉसिबल चॉइस, हार्डली वर्किंग फॉर श्योर. ये तो नेक्स्ट ईयर का होगा हमारा, ठीक है, तो उसे मैं चुन, ये हमारा नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन हो गया कि हम क्या वर्किंग हार्ड होंगे, हम हार्ड काम भी कर रहे होंगे, हार्डली वर्किंग, आई टेक हार्डली वर्किंग, बट यू नेवर नो भाई, आई लाइक क्वेश्चन मार्क्स माय लाइफ में, आई लाइक क्वेश्चन मार्क्स, बहुत ही गंदे हैं, बट बहुत ही गंदे क्वेश्चंस हैं बहन की चूत भाई, इतनी गंदी वेबसाइट खुली मैंने, इतने गलीच क्वेश्चन, इतने गंदे क्वेश्चन, लाइक पता नहीं क्या, एक क्वेश्चन है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है,
बचूते क्वेश्चन ऑफ पूछ लिया. वुड यू हैव, वुड यू रादर हैव बैड ब्रेथ और बैड बॉडी ऑडर? भाई ऐसे बैड ब्रेथ. सेम भाई, बैड ब्रेथ. क्लोज माय माउथ. बॉडी ऑर्डर मेरा जो एक्सपीरियंस है विद अदर्स, बैड बॉडी ऑर्डर. पर चल एक केस है कि इंद्रलोक, इंद्रलोक में जा रहे थे पैर की गति में. क्या इंद्रलोक? यू विल नो व्हाट्स अप द स्ट्रीट्स ऑफ इंद्रलोक. एग्जैक्टली. बॉडी ऑर्डर यू कैन, बॉडी ऑर्डर यू कैन, एक कोलोन से यू कैन छुपा सकते हो. ब्रेथ, ब्रेथ को पर ब्रश करना है ना, मतलब अब तो दे दिया ना. हां दादा, ब्रेथ तू जब तक मुंह नहीं खोलेगा नोबडी विल नोटिस. और वो भी थोड़ा पास नहीं है. एक और है. वुड यू रादर लिसन टू अ फनी स्टोरी और लिसन टू फनी स्टोरी और यू ओनली लिसन टू वन लाइनर्स थ्रू आउट योर लाइफ? कि तू कोई फनी स्टोरी कभी सुन ही नहीं पाएगा, बट यू ओनली लिसन टू वन लाइनर्स. बट आई विल टेक वन लाइनर्स. आई हैव एडीएचडी, आई विल टेक वन लाइनर्स. मां के तू एक्सेप्ट करता हूं रील्स, मेरी एडीएचडी कन्वर्सेशन द रील्स. मैं भी वन लाइनर लूंगा ताकि ज्यादा लाइक कंफ्यूजन हो लाइफ में. Like, I don't want to know what you're trying to say. But funny, be... I think then you won't be listen. Then you won't be able to listen to stand-up comedians. उनके जो set होते हैं ना, जो बनाते हैं. मैं ऐसे नहीं सुनता भाई. मैं मुझे अभिषेक कुमार नहीं पसंद है. सुनना ज़्यादा भाई. अच्छा वो. अभिषेक कुमार नहीं. He's the goat. He's the goat. He's not the goat. Goat तो नहीं बोल सकते. अब वो आ गया ना कोई और बस्सी वस्सी. I don't know. वैसे मैं follow नहीं करता. ना ना ना. He's still the goat. I think. For me, he's the goat. I think काफी subjective obviously. बट भाई वो भाई उसकी स्टोरी टेलिंग भाई करे भाई. कुछ नहीं बोलता, बेसिक बच्चों वाले जोक्स. देयर इज ह्यूमर इन, देयर इज ह्यूमर लाइक हां कॉमेडी ऑफ एरर्स. तो वन लाइनर, टेल मी, टेल मी वन लाइन, वन लाइनर जोक. नॉक नॉक. तो ये वाला नॉक नॉक नहीं, नहीं कितना वन लाइनर. नॉक नॉक. तो मैं गूगल करता हूँ एक कोई बढ़िया सा वन लाइनर जोक. जा वन लाइनर जोक, जोक्स संता बंटा वाले जोक्स आ गए. मैं अंचुत संता. अरे अब हम मैं तो कोई बताता हूँ, ठीक है? मैं तो कोई बताता हूँ एक वन लाइनर जोक, ठीक है? तो उसको बताइए कैसा हो, जज करियो. विल ग्लास कॉफिन्स बी अ सक्सेस, रिमेन्स टू बी सीन. ये एक जोक है. डीप करना पड़ेगा इस ग्लास. यू कैन सी थ्रू ग्लासेस, रिमेन्स टू बी सीन. एंड किचू यार ये था. हां पेपर वन लाइनर्स का मतलब ये नहीं होएगा कि बस हर कोई बस एक लाइन में बात कर सकता है. तो मैं ऐसे यश हेलो. तो यानी कि तू अपनी अपनी एंटी सोशल लाइफ को और फंड करना चाहता है. यू वांट टू फंड योर एंटी सोशल लाइफ. की बात ही ना. एग्जैक्टली भाई. एक और द मैन हु इन्वेंटेड नॉक नॉक जोक्स. अच्छा है. द मैन हु इन्वेंटेड नॉक नॉक जोक्स शुड गेट अ नो बेल प्राइज. तो इसी के साथ लॉन्डो हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं. आई थिंक इट वाज अ, आई थिंक इट वाज अ, भाई दिस इज आवर लास्ट, भाई चौंकी, दिस वाज आवर लास्ट पॉडकास्ट इस साल का. ओ यार, जब 35 साल के होंगे, व्हेन विल बी 35, वी लुक बैक टू दिस एपिसोड कि हम यंग थे. 23, about to come 24. Time is passing by. We're growing old. Love your parents. Love your family. Live each day. Facts. Margaret, boy. Praise God. Margaret, boy. Exactly. Margaret. Exactly, Margaret. Don't expect. Just live. Be surprised.